कहाँ जाएंगे? सर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जो धरना दिया जा रहा है बहुत ही विकट परिस्थिति में दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार पिछले महीने से लगभग 3-4 नोटिस दिया गया कि कुछ समस्याएं जो जड़वत बनी हुई हैं विगत वर्षों से, उसके समाधान के लिए एवं नवनियुक्त शिक्षकों के पहले 2 महीने के लिए जो बकाया रह गया था एरियर, उसके लिए इनको नोटिस दिया गया, लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने बार बार ये आश्वासन देते रहे, शासन से भी कई बार इनको निर्देश आया, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किए, इसके कारण मजबूरी में आकर के हम लोगों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना लगाना पड़ा। यहाँ तो न तो CCTV कैमरा लगा हुआ है, न शुद्ध पेयजल व्यवस्था है, आधिकारिक कार्यालय तो विद्यालय तो चेक करते हैं, अपने कार्यालय क्यों नहीं कराते हैं? सर ये मांग हम लोगों की तरफ से काफ़ी समय से रखी जा रही है कि अगर हमारे विद्यालयों में CCTV कैमरा वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगा है तो एक कैमरा इनके कार्यालयों में, इनके बाबुओं के, पटल सहायकों के कमरों में भी लगना चाहिए, ताकि शिक्षक समाज भी देख सके ये क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों नहीं होती है? शौचालय की व्यवस्था देखेंगे कितनी गंदगी है अंदर, जो है किसी पटल पे जाइए समय से कोई बाबू उपस्थित नहीं होता है, और सभी काम जैसे चयन वेतनमान को करने के लिए 7 दिन का समय होता है, पदोन्नत वेतनमान का 7 दिन है, पदोन्नत में जो है 15 दिन का समय लगता है, लेकिन हर कार्य में इनका जो है अधिक समय लग रहा है। 2-2 महीने 3-3 महीने से पदोन्नति के प्रकरण फंसे हैं, चयन वेतनमान के प्रकरण फंसे हैं, तमाम प्रकरण ऐसे अवरुद्ध है। वेतन एरियर के नाम पर भी बताया था कि शोषण किया था, परेशान किया था, क्या इस मुद्दे बोलेंगे आप? सर वेतन एरियर के मुद्दे पे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ जो है GPF फंड में काफ़ी पैसा था शिक्षकों का, जो कि घोटाले में पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका कुछ पता ही नहीं है सबका, जो है हमारे सैकड़ों शिक्षकों का इस समय जो है एरिया GPF लोन का प्रकरण यहाँ लंबित है, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ गया? ये जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और JD महोदय इसको बताने की कृपा करें। आपके जो बगल में कैंटीन है यहाँ सब लोग चाय लेना, शायद शुद्ध व्यवस्था उसकी नहीं है, जो नाश्ता पानी था उसका मानक जहरीला है एकदम, ये भी भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत है। ये कार्यालय जो है दुकान, ये इसको औने पौने में किसी व्यक्ति को जो है किराए पे दे दिया गया है, किसी मिली भगत है इन लोगों की, कार्यालय के ही किसी बाबू के साथ मिल करके, और इसका टेंडर जो है उसके किसी अपने को दे दिया गया है। और यह कैंटीन जो है, आप जब भी आते होंगे या हमारे शिक्षक साथी आएंगे तो देखेंगे कि अक्सर करके इस पे शुद्ध न तो जल की व्यवस्था है, न चाय की व्यवस्था है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।